राष्ट्रीय शादी हो तो किसको कहोगे आप राष्ट्रीय शादी? अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय की शादी को। सारे स्टार उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे शादी की जा के। सबसे पहले तो राजपाल यादव पहुंच गए, अभिषेक भैया तुमने शादी कर ली? तुम्हारी कसम हम क्या बताएं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है हमको कि डांस कर करके कुछ भी कर लेंगे। तुम्हारी कसम मेरे रंगीले रतन, मेरे जिगर छिल्ले, हम क्या बताएं तुमको, हम तुम्हारी तरफ से फूल ले लो, शादी की शुभकामनाएं तुमको। और एक बात सुन लो, इसकी कुंडली का शनि तुम्हारी कुंडली में आ गया है, इसलिए तुम बच के रहना, समीर ने इसीलिए छोड़ा था इसको। ये हटे पीछे से नाना पाटेकर पहुंच गए। अच्छा इतना छोटा सा था तू मेरे सामने, चड्डी में खेलता था चड्डी में, आज तेरी शादी है, बहुत खुशी का दिन है, मेरी तरफ से भी ये फूल रख ले। लेकिन कमाल की चॉइस है तेरी, खैर एक आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, दो आदमी की चॉइस गलत हो सकती है, तीन आदमी की चॉइस गलत नहीं हो सकती। क्या नहीं कुछ नहीं, शादी मुबारक हो, मैं भी नाचूंगा कभी 101 का। इसके बाद इरफान खान पहुंच गए। क्या करके रहे भैया, मेरी तरफ से तो शादी की बहुत बहुत शुभकामना, आई विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अब एक काम करो, बस मेहनत करो दिन रात। अरे और एक बात नोट कर लो, लिख लो कि बिग बी को 6 महीने के अंदर एक पोता देना। ये हटे कि पीछे से आमिर खान नया, अरे क्या बात कर रहा है, मेरी मान किसी को कुछ मत बोल, तूने तो शादी कर लिया साला, सेटल हो गया साला, मेरी तरफ से भी तुझे शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहली बार सेटल होने के लिए तुझे बहुत बहुत बधाई, भगवान करे तू जल्दी दूसरी बार सेटल हो जाए। अपन को देख, अपन तीसरी बार सेटल होने की सोच रहा है। ये अड्डे पीछे से अजय देवगन मुबारकबाद दे रहे हैं। शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसके बाद में बच्चे पैदा करना। और एक बात कहूं, आज बहुत जब रही हो तुम, अगर तुमने कह दिया ना अभिषेक से हम दिल दे चुके सनम, लेकिन कमाल की शादी की है बच्चन साहब ने, कमाल का इंतजाम किया है, काश हमारी भी शादी ऐसे होती, यही टेंट, यही लाइटिंग, यही स्टेज, यही दुल्हन, नहीं खुश नहीं, शादी मुबारक हो। असली बात तो अंदर थी, कोई शादी बगैर पंगे के हो सकती है? ये कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही बात, अंदर देखा किसी ने खाने के पांडाल में नाना पाटेकर सनक गए। इतनी बड़ी बेइज्जती आज तक मेरी नहीं हुई, जलील किया है मुझे, 2 मिनट नहीं रोक सकता मैं इस पार्टी में, 2 मिनट नहीं ठहरूंगा। बच्चन साहब भागे भागे, ओ भैया वो क्या देखे, शांत हो जाइए आप, वो क्या देखे। बच्चन साहब अगर बेइज्जती करानी थी तो बुलाया क्यों हमको यहाँ, मैं 2 मिनट नहीं रोक सकता, जलील किया है एक पार्टी में, ड्राइवर गाड़ी निकालो। लेकिन वो क्या भैया मुझे ये तो बता दीजिए आप, ये 2 कौड़ी का आपका नौकर, जब मैंने इससे सफेद रसगुल्ला मांगा मुझे बोलता है नहीं मिल सकता। आप सफेद रसगुल्ला बदतमीज लेके आओ उनके लिए, अगर ये सड़क गए तो मेरे लड़के के फेरे नहीं हो पाएंगे, जा लेके आ। अरे ना भाई मैं माफी मांगता हूँ आपसे, नहीं मैं नहीं रुक सकता, हाथ छोड़िए मेरा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, आज तक किसी पार्टी में मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई, वो भी एक सफेद रसगुल्ले के लिए। वाह बेटा गुल्ली, ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं 1 मिनट नहीं रुक सकता। ना भाई देखिए प्लीज, मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, आप जरा सा ठहर जाइए, मैं आपको दिलवाता हूँ सफेद रसगुल्ला। नहीं मैं नहीं रुक सकता, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अरे अजय आमिर, अमित तो आप सारे लोगों को बुला रहे हैं कि समझाएं इन्हें। अरे आमिर, अरे राजपाल थोड़ा इन्हें समझाइए, देखिए ये सड़क रहे। नहीं मैं नहीं रुकूंगा, बेइज्जती हुई है मेरी बहुत बड़ी, एक एक गले चीर देता, रसगुल्ले की नदियां बहा सकता हूँ मैं। हाँ भैया समझाइए ना, देखिए समझाइए, अब सारे लोगों ने समझा रहे हैं। राजपाल आए, बोले आधे घंटे से घूमो चाहे 1 घंटे से, नाना भैया के लिए सफेद रसगुल्ला लेके आएंगे, तुम्हारी कसम उठा के पटक देंगे, शादी रुक जाएगी, लेकिन नाना भैया के लिए सफेद रसगुल्ला लाएंगे। कहाँ से लो, खत्म हो गया है। अरे काले रसगुल्ले को सफेद पेंट कर लाएंगे, चुप रहो। चुप कर साले, खाली चीज को सफेद कर देने से टेस्ट थोड़ी बदलेगा, लानत है तुम लोगों की जिंदगी पर, एक सफेद रसगुल्ला नहीं दे सके नाना भाई को। अरे हमसे कहे होते प्लेट भर देते, उनकी जान भी दे सकते हो उनके लिए। बोले जान मान बाद में देना, पहले तेरी थाली में जो सफेद रसगुल्ला उनको दे दे। पहले तेरी थाली में जो सफेद रसगुल्ला उनको दे दे। नहीं रसगुल्ला नहीं दे सकते।
साले तू तो जान दे सकता, देता क्यों नहीं है? तू हट, बड़ी मुश्किल से बाहर है दूसरे की थाली से। बोले तो एक काम कर, मेरी बात मान, नाना भैया के लिए दूसरे की थाली में से एक सफेद रसगुल्ला मार के लिया। बोले थोड़ा रुको, साले अपने लिए लिया है, उनके लिए नहीं ला सकता, जाना जाता क्यों नहीं? बोला ना रुको, साले अपनी औकात दिखा दी, उनके लिए नहीं ला रहा, जाना जाता क्यों नहीं है? लाइट लाइट तो जाने दे बे। हाँ 20 मिनट से ज्यादा हो गए बच्चन साहब को, इतनी देर में मैं 10 रसगुल्ले बाजार से लेके खा सकता हूँ, नहीं रुक सकता, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, नहीं रुकूंगा मैं निकलता हूँ, ड्राइवर गाड़ी निकालो। नहीं भाई एक मिनट रुक जाइए, देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप जरा सा ठहरे। नहीं पैर छोड़िए मेरे, भाई देखिए प्लीज रुक जाइए। नहीं पैर छोड़िए, बोला ना आपको, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, देखिए चीनी कम पड़ गई इसलिए रसगुल्ला खत्म बन नहीं पाया। ठीक है मैं दूसरी मिठाइयाँ खा लेता हूँ, लेकिन आपके लड़के की अगली शादी में। मैं पक्का, आप आराम से बैठ जाइए, दूसरी मिठाइयाँ खा लीजिए। अब नाना भाई दूसरी मिठाइयाँ खाने लगे, घूमने लगे, थोड़ी देर हुई थी कि इस बार तो भयंकर तरीके से सनके। ये क्या बकवास है, जलील किया है मुझे। बच्चन साहब 7 साल की उम्र में भी झूठ बोलते हैं बच्चन साहब, शर्म आनी चाहिए। मेहमानों को बुला लेते हैं, उनका स्वागत नहीं कर सकते, क्यों भिजवाया था खाट मेरे पास, मैंने बोला था नहीं रुकूंगा मैं। और लेकिन अब क्या हुआ भैया, मैंने बोलते आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? और लेकिन हुआ क्या है? मैंने अभी अभी अमर सिंह की थाली में एक सफेद रसगुल्ला देखा है। और लेकिन रुक जाइए, देखिए मैं, अरे अब लेकिन हुआ क्या है? मैंने अभी अभी अमर सिंह की थाली में एक सफेद रसगुल्ला देखा है। अमर सिंह का कहाँ देखा आपने रसगुल्ला? वो देखिए कोने में खड़ा होके चाट रहा है, चाशनी भी है। इतने में सारे स्टार्स लग गए, अरे क्या बात कर रहा है, तो सच कह रहा है, अमर सिंह की थाली में चाशनी है, उसको दे सकते हैं, नाना भाई को नहीं। अरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आदमी की बेइज्जती, हम सबकी बेइज्जती है, अपन बिल्कुल नहीं रुके। नाना भाई आपके हाथ में सम्मान को ललका रहा है, चलिए मैं भी नहीं रुकूंगा आपके साथ, मैं भी चलूंगा, आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। हाँ चल निकलते हैं यहाँ से, नाना भाई की बेइज्जती हम सबकी बेइज्जती है, कोई नहीं रुकेगा। अरे क्या बात कर रहा है, अरे अब तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, तुम्हारी शादी में अमर सिंह जी को तो लाके खिला दिया तुमने सफेद रसगुल्ला। हम क्या फ्री पॉकेट में आए थे तुम्हारे लड़की शादी में डांस करने के लिए? हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। राजपाल ज्यादा बहस मत करो, हम निकलते हैं और काउंटर से 500 का लिफाफा वापस ले लो जो गिफ्ट में दिया था। ना भाई देखिए आप इस तरह नहीं जा सकते, मैं लड़के के फेर होने वाले हैं, देखिए मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, मेरे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कहीं से भी रसगुल्ला लाऊंगा, मुझे 5 मिनट दे दीजिए। ठीक है नाना भैया, 5 मिनट की तो बात है, उनको माफ कर दो। ठीक है नाना भाई थोड़ी देर और सही। हाँ ठीक है, लेकिन 5 मिनट से अगर 6वां मिनट हुआ बच्चन साहब, आपके लड़के के फेरे नहीं हो पाएंगे। बच्चन साहब भागे भागे गए, भागे भागे आए। ये लीजिए भैया आपका सफेद रसगुल्ला, और आराम से शांति से बैठ जाइए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आराम से बैठ जाइए, और मैं चलता हूँ, लड़के के फेरे होने वाले हैं। नहीं ठीक है जाइए, अब थोड़ी देर पहले लाता इतना हंगामा नहीं होता। अच्छा है सब, अच्छा है। जैसे ही नाना भाई ने चखा, ये क्या बकवास है, मेरे साथ बेइज्जती पे बेइज्जती की जा रही है इस पार्टी में, आगे से एक एक के गले चीर दूंगा, बच्चन साहब को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे लेकिन तुमको लाके दे तो दिया सफेद रसगुल्ला। चुप कर साले, दही बड़ा देके चला गया वो मुझको।